हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ATV, सारे रंग हमारे। अस्सलाम वालेकुम, ए न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। मुलाहिजा कीजिए न्यूज हेडलाइन। वजीर आजम शाहिद काकान अब्बासी से सवाद की गुलमकई, मलाला यूसुफ जई की मुलाकात। वजीर आजम ने नोबेल इनाम याफ्ता मलाला की जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। अमरीका की असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा एलिस वेल्स की दफ्तर खारजा में सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कोशिशों पर बातचीत की गई। शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेशी के लिए मरी से इस्लामाबाद पहुंच गए। पैनमा GIT के सरबराह वाजिद ज़िया पर ख्वाजा हारिस की जरा जारी रहेगी। कराची में फेडरल एंटी करप्शन कोर्ट ने इंटरडाप स्कैंडल में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। मेरा काम फरियादी की फरियाद सुनना है। वजीर आजम भी अपनी फरियाद लेकर मेरे घर चलकर आए थे, उन्होंने कुछ दिया नहीं। अदालत और अपने इस भाई पर एतमाद रखें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का मरी में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान लतीफ खोसा एडवोकेट से मुकालमा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कामयाबियों पर फख्र है। प्रोग्राम से इस्तफादा करने वालों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में BISP की तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान के कन्वीनर के तौर पर बहाल हो गए। एतमाद रखें, पाक फजाइया कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। और अहराम में मिस्र का हद दर्जे दीवाना शख्स, अमरीकी शहरी ने अपने घर को ही अजूबे में बदल डाला। खूबसूरत घर की मालियत $31 लाख है। ए न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए।